भाई देखो, अभी हमारी एक ना छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। आप वो गन्ने का रस एक बार खुद भी पी करके दिखाओ कि आपको कैसा लग रहा है उसका टेस्ट। तो भाई आप अपना राज भाई टेस्ट करके बता रहे, भाई कैसा लगा इसका टेस्ट? स्वाद आ गया। स्वाद आ गया, क्या बात है। हालात परिस्थिति कब किसी को बता के नहीं आते। अच्छा, ये भी मशीन नहीं है, हाथ से निकालना पड़ता है। क्या उम्र है भाई आपकी? 14 ईयर्स। में काले गन्ना और हरे गन्ने में फर्क क्या रहता है? काला वाला अच्छा रहता है। तो फिर हरा वाला क्यों रखते हो अपने पास? दोनों रहता ना। अच्छा, स्कूल वगैरह जाते हो नहीं जाते हो? अच्छा, स्वागत है आप सभी का नागपुर के एक नए वीडियो में। और आज जीपीओ पोस्ट ऑफिस नागपुर के पास मैं आपको लेकर के आ चुका हूँ। कहाँ पर? एक ये छोटे सा ना यहाँ पर गन्ने का स्टॉल है, गन्ने का रस मिलता है। ये हमारा भाई। हेलो भाई। हेलो भैया। क्या नाम है आपका? राज प्रजापति गन्ना जूस। अच्छा, राज प्रजापति गन्ना जूस। गन्ना जूस ये आपके शॉप का नाम है? आपका नाम राज प्रजापति है। क्या क्या उम्र है भाई आपकी? 14 ईयर्स। और यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा अपने पास में? गन्ना जूस, काले गन्ना, हरा गन्ना। अच्छा, काला गन्ना, हरा गन्ना। इसमें काले गन्ना और हरे गन्ने में फर्क क्या रहता है? काला वाला अच्छा रहता है, इसके लिए मजा रहता है। तो फिर हरा वाला क्यों रखते हो अपने पास? दोनों रहता ना भैया। अच्छा, दोनों अलग अलग टेस्ट रहता है। तो एक काम करो, हमारे लिए ना क्या रेट रहता है पहले एक बार रेट बता देना। काला 30 है, हरा 20। अच्छा, तो हमारे लिए एक लगा दो काला वाला। देखते भाई ये किस तरीके से बनता है। ये देख लो, सबसे पहले यहाँ पर एक गन्ने का ले लिया पीस। कितना साल हो चुका है भाई अपने को यहाँ पे लगाते हुए? 2-3 साल। 2-3 साल हो चुके हैं। 12 साल की उम्र से लगा रहे हो, क्या बात है भाई। स्कूल वगैरह जाते हो नहीं जाते हो? जाते हैं। अच्छा, लेकिन अभी इसके वास्ते आपको सामने मिलेंगे। सामने मतलब वो चौक पे? चौक पे साइड। अच्छा अच्छा, ये भी मशीन नहीं है, हाथ से निकालना पड़ता है। हाँ। क्या बात है भाई। मतलब एक चीज देखो भाई, लड़के की मेहनत, 14 ईयर्स की उम्र है, पढ़ाई की उम्र है, और यहाँ पर भाई मेहनत कर करके ना यहाँ पर गन्ने का रस वगैरह सब चीज निकाली जा रही है। वैसे मैंने सुना अपना फल फूल वगैरह भी मिलता है सब कुछ। क्या क्या चीज रहती है वहाँ पर? जो लगेगा वो मिल जाएगा, एप्पल वगैरह सब कुछ। क्या बात है भाई। नींबू जा रहे हैं इसके अंदर? नींबू और अदरक पूरा जाएगा? हाँ। अच्छा, मतलब भाई आपको टेस्ट भी मिलेगा। एक चीज देखो ना, मतलब मेहनत कब करनी है, कैसे करनी है, हालात परिस्थिति कब किसी को बता के नहीं आते। ये डाल दिया भाई इसके अंदर नींबू और साथ में अदरक। मतलब गन्ने का रस एकदम कड़क खट्टा मीठा बनने वाला है ना। कभी आपने खुद के हाथ का गन्ने का रस पी के देखा है? आज हमारे साथ पियोगे? हम पिलाएंगे आपको। ये देख लो भाई, यहाँ पर ना अच्छे तरीके से ना यहाँ पर गन्ने का रस पूरा निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर ही ना अपना नीचे यहाँ पर रस निकल रहा है छन्नी से छान करके पूरा। रेडी है कभी निकलने का? अच्छा, होगी भाई। अभी इसको ना ग्लास में डालने वाले हैं। देख लो, निकाल दिया पूरा का पूरा रस। अभी क्या जाएगा? नमक का। अच्छा, नमक जाएगा। ये देख लो भाई, ये चलेगा इसके अंदर नमक। क्या बात है। और अब साथ में आ जाएगा भाई अपना रस। इसको अच्छे तरीके से ना छान करके वापस से आधा आधा डाल देना, ठीक है? क्या क्या पेटीएम गूगल पे वगैरह है या नहीं है? हाँ। क्या बात है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी अगर आपको करना है तो मिल जाएगा। 30 रुपीज़ और 20 रुपीज़ दोनों है। अगर आपको ब्लैक वाला गन्ने का लेना है तो आपको 30 पड़ेगा, है ना, और सादा लेना है तो 20। यहाँ पर अपना नहीं गन्ने का रस जो है बन करके तैयार है। तो भाई देखो, अभी हमारी एक ना छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। आप वो गन्ने का रस एक बार खुद भी पी करके दिखाओ कि आपको कैसा लग रहा है उसका टेस्ट। तो भाई आप अपना राज भाई टेस्ट करके बता रहे, भाई कैसा लगा इसका टेस्ट? स्वाद आ गया। स्वाद आ गया, क्या बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर लो, चैनल पर न तो फॉलो कर लो। मिलता हूँ किसी से बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए भाई एंजॉय करो। लोकेशन आपको फिर से एक बार बताया तो भाई, ये आता है जीपीओ चौक। जीपीओ चौक से आप जैसे ही आओगे ना तो आपको यहाँ पर ही मिल जाएगा भाई अपना यहाँ पर ना गन्ने का रस। मस्त मस्त सा एकदम एंजॉय कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चलो ठीक है भाई, एंजॉय करो।